आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम आपको चैप्टर सेकंड इनोस्टिकोमेट्रिक फंक्शन करवाएंगे, ठीक है। और ये जो लेक्चर है ये चैप्टर नंबर सेकंड का 11th लेक्चर है, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर हम आपको इंपॉर्टेंट के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करवा जा रहे हैं, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के तो आपको दिया गया है क्या, कि tan inverse x + 7 / x - 1 + tan inverse x - 1 / x = π - tan inverse 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको tan inverse की दो टर्म दी गई है और राइट हैंड साइड के अंदर आपको tan inverse की एक टर्म दी गई है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम इन दो टर्म को भी किसमें चेंज कर सकते हैं, tan inverse में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब एंगल का मान नेगेटिव हो, सॉरी हाँ जब संख्यात्मक वैल्यू नेगेटिव हो तो भी हमने यहाँ पे चार फॉर्मूले पढ़े थे। कौन कौन से, एक तो पढ़ा था हमने कौन सा, कि साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर। दूसरा पढ़ा था हमने कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। तीसरा पढ़ा था हमने टेन इनवर्स माइनस एक्स, जो कि होता है माइनस का टेन इनवर्स एक्स, या फिर पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपको सिमिलरली ऐसे दिया गया है, क्या दिया गया, पाई माइनस टेन इनवर्स सेवन दिया गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स माइनस सेवन। ठीक है, किस फॉर्मूले के द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी टेन इनवर्स का टर्म बन जाएगी और यहाँ पर भी आपको ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई का, इसके द्वारा आप इन दोनों टर्म को मर्ज करके आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं, मतलब एक टर्म में मर्ज कर सकते, ठीक है। और करना क्या है आपको, इस क्वेश्चन के अंदर आपको इन टर्म को मर्ज करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या करना है आपको, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो भी फॉर्मूला जुड़ जा रहे हैं उनको आप लिख दीजिए, ठीक है। सबसे पहला कौन सा आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये होता है टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों फॉर्मूला का यूज कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ठीक है। तो देखिए tan inverse x + tan inverse y के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा tan inverse x + 7 upon x - 1 plus x - 1 upon x upon 1 minus x + 7 upon x - 1 into x - 1 upon x बराबर tan inverse of minus 7, ठीक है, बराबर tan inverse of minus 7। यहाँ से एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ से एलसीएम हमारा एक्स इंटू एक्स वन, और यहाँ से आप देखते हो एक्स वन से कौन कैंसिल हो रहा है, एक्स वन से वन कैंसिल हो रहा है, तो क्या एलसीएम आएगा, यहाँ पे यहाँ पर एलसीएम आएगा एक्स, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, देखो क्या आ रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सेवन इंटू एक्स, एक्स प्लस सेवन इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, इसको लिख सकते हो आप tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स प्लस सेवन प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स अपॉन x माइनस एक्स प्लस सेवन, ठीक है। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, भाई इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x, इधर कितना आ रहा है 1, तो x को 1 कैंसिल कितना होगा x होगा, और इस x को आप यहाँ पे इधर सॉल्व करो फ्रैक्शन को, क्या आएगा आपके पास आएगा x माइनस एक्स प्लस सेवन अपॉन x, ठीक है। लेकिन जब टर्म को आप इधर लेकर जाओगे तो ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा सॉल्व आपके पास कंप्लीटली, क्या कि tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सेवन बराबर टेन इनवर्स माइनस ऑफ सेवन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ से आप माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस सेवन, लेकिन इस एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा और इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या शेष बचेगा आपके पास, शेष बचेगा टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस सेवन प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन इंटू वन अपॉन माइनस सेवन, ठीक है, बराबर टेन इनवर्स ऑफ माइनस सेवन। अब आप क्या कीजिए, इस एक्स को एक्स प्लस सेवन से मल्टीप्लाई कीजिए और एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर को ओपन कीजिए, ए मंथ थ्री के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ठीक है। तो देखो क्या आता है यहाँ पर, यहाँ पर आएगा टेन इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू माइनस सेवन बराबर टेन इनवर्स ऑफ माइनस सेवन, ठीक है। अब देखो करना क्या है आपको, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन इनवर्स का आपको रिमूव करना होगा। किस प्रकार से रिमूव करेंगे, आप दोनों पक्षों का ले लीजिए, दोनों पक्षों का टेन लीजिए, ठीक है। क्या करना है आपको, दोनों पक्षों का टेन लेना है, दोनों पक्षों का टेन लेने पर रूट क्या आ जाएगा, ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू माइनस सेवन बराबर माइनस का सेवन, ठीक है। अब क्या कीजिए आप, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्रॉस आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन बराबर फोर्टी नाइन इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। अब उसके पश्चात आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उसको सॉल्व कीजिए जिसके दो रूट होंगे और उन दो रूटों को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन बराबर फोर्टी नाइन एक्स माइनस फोर्टी नाइन, ठीक है। फोर्टी नाइन एक्स माइनस फोर्टी नाइन घर लेकर आइए और आर एक्स को जीरो के बराबर रखिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी फोर एक्स प्लस फिफ्टी अपॉन जीरो, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी फोर एक्स प्लस फिफ्टी इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने मूल होंगे, दो मूल होंगे, ठीक है भाई, कितने मूल होंगे इसके, दो मूल होंगे, और वो मूल किसके द्वारा फाइंड आउट करने, आपको आपको फाइंड आउट करने श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है। देखिए श्रीधराचार्य सूत्र से क्या क्या मूल निकलेंगे इसके, वो देखिए श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, एक्स बराबर माइनस थ्री डेट मीन एक्स बराबर फोर्टी फोर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये होगी फोर एट्टी फोर माइनस टू इंटू फिफ्टी अपॉन टू इंटू वन, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, फोर एट्टी फोर माइनस टू इंटू फिफ्टी डेट मीन क्या आ रहा है, चार सौ चौरासी माइनस सौ, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ रहा है, यह आएगा कंप्लीटली एक्स बराबर फोर्टी फोर एक्स बराबर फोर्टी फोर प्लस माइनस अंडर रूट चार सौ चौरासी माइनस हंड्रेड बटा टू, ठीक है। अब सॉल्व करो, चार सौ चौरासी में सौ करके देखिए तीन सौ चौरासी, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर चौवालीस प्लस माइनस अंडर रूट तीन सौ चौरासी बटा टू, तीन सौ चौरासी का आप वर्गमूल फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको लिख सकते हो इसमें ए बाई की संख्या के रूप में, यहाँ पे हो जाएगा चौवालीस प्लस माइनस एट इंटू अंडर रूट सिक्स बटा टू, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, देखिए हो जाएगा कंप्लीटली आपके पास क्या, एक्स बराबर फोर्टी फोर प्लस माइनस एट इंटू अंडर रूट सिक्स बटा फोर बराबर इलेवन प्लस माइनस फोर इंटू अंडर रूट सिक्स हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे चेंज कर लेना, यहाँ पे हम टू लिखना भूल गए थे, ठीक है, यहाँ पे टू लिखना भूल गए थे, तो आप यहाँ पे चेंज कर लेना, ठीक है। देखिए
या तो आप इसको इस प्रकार से देख सकते हो, या फिर उसके बोले जो और देख लीजिए इसको। देखिए यहाँ पे क्या है, 2x² प्लस 5x प्लस 1 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तब क्या आ रहा है, यह आ रहा है 49x - 1, ठीक है। अब सोल्व करो तो क्या आ रहा है, 2x² प्लस 5x प्लस 7 बराबर 49x - 49। इसको सोल्व करते हैं क्या आ रहा है, 2x² माइनस 44x प्लस 50 बराबर 0। 2 का भाग दो, 2 का भाग देने क्या है, x² माइनस 22x प्लस 25 बराबर 0, ठीक है। अब लगाना है उसी तरह का सूत्र, जो क्या आ रहा है, इससे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। a b c की वैल्यू के ऊपर तो क्या हो जाएगा, x बराबर 22 प्लस माइनस अंडर रूट b² कर लिया 44 माइनस 4 × 1 × 25 बटा 2 × 1, ये हो जाएगा x बराबर 22 प्लस माइनस अंडर रूट 484 माइनस 100 बटा 2, और ये हो जाएगा x बराबर 22 प्लस माइनस अंडर रूट 384 बटा 2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, 22 प्लस माइनस 8 × √6 बटा 2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, 11 प्लस माइनस 4 × √6, ठीक है भाई। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 प्लस माइनस 4 × √6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 होगा। अब इसके पश्चात है आपका क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25, जब तक आप ऐसे किसी क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया गया है साइन इनवर्स 1/√5 प्लस cot इनवर्स x बराबर π/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपको दिया गया है साइन इनवर्स 1/√5 प्लस cot इनवर्स x बराबर π/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है कि आप साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स 1/√5 और cot इनवर्स x का मर्ज कर सको, या तो सिर्फ इसमें चेंज हो cot इनवर्स में, या तो सिर्फ इसमें चेंज हो साइन इनवर्स में, ठीक है। लेकिन जब भी आप इसको cot इनवर्स में चेंज करोगे या साइन इनवर्स में चेंज करोगे, तब भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी अंडर रूट वाली प्रॉब्लम। तो आप क्या कीजिए, इस फंक्शन को इन दोनों को ट्रांसफर करके इसमें चेंज कर दीजिए, tan इनवर्स में चेंज कर दीजिए, ठीक है। जो किस प्रकार से चेंज करना है, सबसे पहले आप इसको थीटा के बारे में, थीटा के बराबर मान, ठीक है भाई। सबसे पहले आप मान लो कि ये क्या है, माना साइन इनवर्स 1/√5 बराबर क्या है, थीटा, ठीक है। जब ये थीटा के बराबर है तो आप क्या कर सकते हो, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है 1/√5, ठीक है भाई। साइन थीटा क्या है, 1/√5 है। अब ये 1/√5 है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें एक एंगल तो होगा आपका 90 डिग्री और एक एंगल होगा आपका थीटा। थीटा के सामने वाली चीज़ें क्या हो जाएगी, लंब भाई, थीटा के सामने वाली चीज़ें हो जाएगी लंब, और सबसे बड़ी चीज़ हो जाएगी कर्ण। कर्ण का मान कितना है, 1/√5, और लंब का मान कितना है 1। तो आधार की वैल्यू क्या होगी, आधार की वैल्यू होगी 2, ठीक है भाई। आधार की वैल्यू क्या होगी, आधार की वैल्यू होगी आपके पास 2, ठीक है। देखिए यह आपने बनाया समकोण त्रिभुज ए बी सी, इस पर बी पर शीर्ष बी पर क्या बना है, 90 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। और यह एंगल होगा थीटा। देखिए यहाँ पे लंब की वैल्यू दी गई 1, कर्ण की वैल्यू दी गई 1/√5, तो आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आप यहाँ से किसकी वैल्यू नोट कीजिए, टैन थीटा की, टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी 1, आधार की वैल्यू 2 है, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। tan थीटा 1/2 के बराबर है, tan इनवर्स हमें तो वैल्यू थीटा की चाहिए, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, ठीक है भाई।
थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स 1/2। तो ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या आता है। समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि tan इनवर्स 1/2 प्लस cot इनवर्स x बराबर 5/4। ठीक है, tan इनवर्स 1/2 प्लस cot इनवर्स x बराबर 5/4। आपको करना क्या है, आपको अब इस cot इनवर्स को भी किस में चेंज करना, tan इनवर्स में चेंज करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मैंने बताया था cot इनवर्स को tan इनवर्स से जब आप चेंज करोगे तो क्या लिखोगे कि tan इनवर्स x किसके बराबर होता है, cot इनवर्स 1/x के। तो cot इनवर्स x क्या होगा, cot इनवर्स x होगा आपके tan इनवर्स 1/x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/x बराबर 5/4। ठीक है, बराबर 5/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारे पास ये फॉर्मूला जरूर है, tan इनवर्स के किन्हीं भी दो टर्म्स को मर्ज करने वाला फॉर्मूला आया है, कौन सा, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, जो कि क्या होता है, जो कि होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। इस फॉर्मूले से दो टर्म्स को मर्ज कीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/x अपॉन 1 माइनस 1/2x। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अब आप देखते हो यहाँ पर कि यहाँ पे ऐसे कितना आ रहा है, यहाँ पे ऐसे हमारा 2x, इधर भी ऐसे कितना आ रहा है, इधर भी ऐसे हमारा है 2x। ठीक है, क्योंकि तो सोल्व करो क्या है, सोल्व करने पर आ रहा है tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 2x इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2x अपॉन 2x माइनस 1 बराबर 5/4। ठीक है, बराबर 5/4 हो जाएगा। इस 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या चीज बचेगा आपके पास, शेष बचेगा क्या, 2x से 2x कैंसिल ही होगा, सिर्फ ओनली 2 से 2 कैंसिल करना है। ठीक है, 2 से क्या कैंसिल करना है, 2 से कैंसिल करना है आपको 2 को, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या शेष बचा, ये बचा tan इनवर्स x इंटू x प्लस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 बराबर 5/4। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप दोनों पक्षों का tan लीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, दोनों पक्षों का tan लेंगे, दोनों पक्षों का tan लेंगे तो क्या आएगा, दोनों पक्षों का tan लेने पर ये tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा tan 5/4, तो tan 5/4 की वैल्यू कितनी होती है, tan 5/4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, tan 5/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देखिए क्या आती है नेक्स्ट वैल्यू, ये आ जाएगा x इंटू x प्लस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 बराबर tan 5/4, तो tan 5/4 की वैल्यू कितनी है 1। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, यह आता है x इंटू x प्लस 2 बराबर x इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, इस टर्म को आप पहले से मिले क्या होता है, राइट पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा x इंटू x प्लस 2 माइनस x इंटू 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है x को क्या चेंज कर रहा है, x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से x का डिग्री रहेगा x माइनस 2x कितना होगा माइनस का x, और 2 और 1 ऐड करने से कितना आ 3, तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 0 और x की वैल्यू क्या आएगी 3। ठीक है भाई, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x बराबर 0 और x बराबर 3। ठीक है भाई, x बराबर 0 और x बराबर 3। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट होता होगा। उसके पश्चात है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर आपका 25। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दो इक्वेशन दी गई हैं, एक तो दिया गया आपको sin इनवर्स x + sin इनवर्स y की वैल्यू किसके बराबर 2π / 3 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर दी गई 2π / 3 के
बराबर देखो, और एक दिया गया है cos inverse x - cos inverse y बराबर pi / 3। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना आपको जो फर्स्ट इक्वेशन दी गई है, आपको जो फर्स्ट इक्वेशन दी गई है कौन सी sin inverse x और sin inverse y वाली, यहां पे प्लस का चिन्ह है माइनस का नेगेटिव हुई, इस चीज का ध्यान रखना बुक के अंदर अगर माइनस होता तो इसको प्लस कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा sin inverse x और sin inverse y बराबर 2 pi / 3। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन दी गई है cos inverse x - cos inverse y बराबर pi / 3। ठीक है, ये आपको दो इक्वेशन दी गई। ठीक है, तो देखिए ये तो आप मान लीजिए तो कौन सी इक्वेशन हो गई, ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप देखिए इस इक्वेशन के अंदर sin x और sin y का मतलब किसके अंदर cos x और cos y करना है। अगर आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो तो या तो आपको इस टर्म को बीच में चेंज करना पड़ेगा, इसमें जो sin x और sin y का जो टाइम आंसर करना है इन टर्म को आपको चेंज करना पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos inverse x और cos inverse y में, या फिर आपको चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर सेकंड में cos inverse x और cos inverse y को sin inverse x और sin inverse y। ठीक है, तो आप ऐसे कीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर जो cos inverse x और cos inverse y है उसको किस में चेंज कर दीजिए, sin inverse x में चेंज कर दीजिए। तो हमारे पास सिर्फ तीन ही फॉर्मूला है। ठीक है भाई, तीन फॉर्मूला है जिनमें हमको पता है कि तीन की दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम पाई बाय 2 बराबर 0 आता है। ठीक है, तीन मैंने आपको क्वेश्चन लिखाए थे या तीन फॉर्मूला लिखाए थे जिनमें क्या दिया गया था कि तीन की दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सम किसके बराबर होता है, पाई बाय 2 बराबर होता है, जिसमें से कौन कौन सा है। पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या लिखते हैं, sin inverse x + cos inverse x किसके बराबर होता है, पाई बाय 2 के बराबर होता है। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला था tan inverse x प्लस cos inverse x की वैल्यू किसके बराबर होती है, पाई बाय 2 के बराबर होती है। और तीसरा है कि sec inverse x + cosec inverse x का सम किसके बराबर होता है, पाई बाय 2 के बराबर होता है। तो आपको इस फॉर्मूले की सहायता से cos inverse x को sin inverse x में चेंज करना है और cos inverse y को sin inverse y में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर को चेंज कीजिए। ठीक है, तो देखिए समीकरण दो से, समीकरण दो से आप क्या लिख सकते हैं, समीकरण दो से लिख सकते हैं cos inverse x को क्या, pi / 2 - sin inverse x। ठीक है, और इसी प्रकार cos inverse y क्या लिख सकते हैं, pi / 2 - sin inverse y बराबर pi / 3। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है pi / 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई थ्री। ठीक है, पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा, क्या शेष बचेगा आपके पास, आपके पास शेष बचेगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई थ्री बचेगा। ठीक है, और ये आपकी नई क्वेश्चन आ गई, इसी क्वेश्चन को मान लीजिए तो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक भाई, इसी क्वेश्चन में क्या मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए। देखिए अब आपको क्या करना है, समीकरण डी का आपको sin x और sin y के अंदर और समीकरण डी का आपको sin x और sin y के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के ऐप से इन दोनों की मान फाइंड आउट करना। ठीक है, देखिए आता है समीकरण एक और दो तीन से, समीकरण एक और तीन से। ठीक है, समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है आपकी sin इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ठीक है, या फिर आप कह दो समीकरण एक आता है समीकरण एक व तीन को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण एक व तीन को जोड़ने पर, जोड़ने पे क्या आएगा, साइन इनवर्स y की वैल्यू तो क्या है 2 पाई बाई 3 और समीकरण तीन की वैल्यू क्या है माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू क्या है पाई बाई 3 है। ठीक है, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने के आप देखते हो कि sin inverse x से sin inverse x कैंसिल हो जाएगा तो क्या शेष बचेगा 2 sin inverse y बराबर 2 pi by 3 plus pi by 3। ठीक है, 2 pi by 3 plus pi by 3 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है pi। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है pi। तो आप क्या कह सकते हैं कि 2 sin inverse y की वैल्यू क्या है, pi के बराबर है, दैट मींस sin inverse y की वैल्यू क्या होगी, pi / 2 होगी।
और साइन इनवर्स वाई की वैल्यू पाई बाई टू है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वाई बराबर साइन पाई बाई टू। ठीक भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू तो होती है वन, तो आप क्या कह सकते हैं कि वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू है वन। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी है वन। आगे वाई की वैल्यू आप क्या देखिए, वाई की वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए वाई का मान, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखिए वाई का मान, तो क्या है देखो साइन इनवर्स एक्स का एलजेब्रिक रहेगा। ठीक है, वाई का मान मानेगा सेकंड टर्म का एलजेब्रिक साइन इनवर्स वन हो जाएगी, और ये इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा टू पाई बाई थ्री के बराबर। ठीक है, आपको पता है साइन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स वन की वैल्यू है पाई बाई। ठीक है, साइन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी है पाई बाई टू, तो आप देख दीजिए ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स पाई बाई टू बराबर किसके, टू पाई बाई थ्री के। ठीक है, बराबर टू पाई बाई थ्री। आप देखो इस पाई बाई टू को राइट हैंड साइड ले जाओ और टू पाई में से लेस करो, तो टू पाई में से लेस करने के पश्चात आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ओनली पाई बाई सिक्स। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ओनली पाई बाई सिक्स, दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ रही है पाई बाई सिक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ रही है पाई बाई सिक्स, और जब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई सिक्स आ रही है तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है साइन पाई बाई सिक्स, और साइन पाई बाई सिक्स का मान कितना होता है, इसका मान होता है वन बाई। ठीक है, इसका मान कितना होता है वन बाई टू, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है वन बाई टू। तो हमें क्या करना था, एक्स और वाई के मान फाइंड आउट करने। ठीक है, एक्स की वैल्यू हो गई वन बाई टू और वाई की वैल्यू हो गई फिर एक्स, हाँ वाई की वैल्यू हो गई वन। ठीक है, अब उसके पश्चात आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देख लीजिए, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर एट। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर एट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर एट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एक दिया गया आपको वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स ऑफ वन प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है भाई, लेट मी जस्ट की पावर वन बाई। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, आपको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू शो करनी है, किसके बराबर, इसके बराबर है। ठीक है, या फिर आपको इसकी वैल्यू किसके बराबर शो करनी है, इसके बराबर शो करनी। तो करना क्या होगा आपको, आपको एक पक्ष एक एक साइड लेके चलनी है आपको, और दूसरा को आपको सिद्ध करना है। ठीक भाई, मतलब एक साइड आपको लेके चलनी है, उसके सहायता से आपको सेकंड सिद्ध करना है। तो आप कौन सा लेके चलोगे, हम लेके चलेंगे cos इनवर्स, पहले आप आर एच एस लेके चलेंगे और बता देंगे कि आर एच एस की वैल्यू किसके बराबर है, एन एच एस के बराबर। ठीक है, लेकिन आर एच एस की आप वैल्यू लेके चलोगे, लेकिन आर एच एस के बराबर एल एच एस के बराबर शो करोगे, लेकिन उससे पहले ये है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा आपका त्रिकोणमितीय फंक्शन सब्स्टिट्यूट किया जाए। ठीक भाई, मतलब ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय फंक्शन यहाँ पे प्रतिस्थापित किया जाए, ये सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, ये सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो हमें पता है कि जब भी वन प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म हो या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म हो, समथिंग कुछ ऐसा का हो, तो हमें पता है कौन सा फंक्शन काम आता है, हमेशा त्रिकोणमितीय फलन tan काम में आया। ठीक भाई, अब आपका त्रिकोणमितीय फलन tan थीटा काम में आया। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कौन सा फंक्शन tan, कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे, tan फंक्शन अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या मान करना पड़ेगा, आपको लेके चलना पड़ेगा आर एच एस। ठीक है, तो देखिए आर एच एस क्या है, आर एच एस है आपका cos इनवर्स वन प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर वन बाई। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, आप मान लीजिए कि माना एक्स बराबर क्या है टेन लिखा। ठीक है, एक्स की वैल्यू लिख लीजिए, आपने मान लिया माना एक्स बराबर
अब x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स x होगा, ठीक है, थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स x होगा, ठीक है। अब देखो थीटा बराबर tan इनवर्स x है, ये इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, हमें किसकी जरूरत है x के वैल्यू की जरूरत है, x की वैल्यू आप अप्लाई की थी यहाँ पे, तो देखो x का मान कितने प्रतिस्थापित करो r x f में रखने पर, ठीक है, x का मान कितने रखना है वो r x में रखना, तो देखिए क्या हो जाएगी आर एच एस की वैल्यू, आर एच एस हो जाएगा कॉस इनवर्स वन प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की फोर पावर वन बाई टू, ठीक है। एक्स की जगह टेन थीटा रखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स वन प्लस अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टू इंटू अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की होल पावर वन बाई टू, ठीक है। आपने कह दिया एच एस में एक्स की जगह टेन थीटा रिप्लेस किया। आप देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक भाई। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू बराबर होती है आप टेन सेक स्क्वायर थीटा की, ठीक है। लेकिन बाहर क्या है अंडर रूट है, इसमें चेंज हो जाएगी, sec थीटा में चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 plus sec थीटा अपॉन 2 plus 2 into sec थीटा का अंडर रूट, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे sec थीटा के लिए क्या रिप्लेस कीजिए, sec थीटा को चेंज कीजिए cos थीटा में, ठीक है। sec थीटा को आप चेंज करो इसमें cos थीटा में, क्यों, क्योंकि बाहर आपको सब फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos इनवर्स, सिंपल करने के लिए आप सेक को चेंज कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1 प्लस 1 बाय cos थीटा और 2 बाय cos थीटा की होल पावर 1 बाय 2, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड से यहां पर एक्स थीटा cos थीटा, यहां पर भी एक्स थीटा cos थीटा आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप ऐसे कीजिए इसको ऐसे, या फिर आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वन प्लस कोस थीटा और यहाँ आएगा आपका टू का अंडर रूट, ठीक है। आपको पता है वन प्लस कोस थीटा का अर्धक के रूप में फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस कोस थीटा का अर्धक के रूप में फॉर्मूला होता है कौन सा, टू कॉस स्क्वायर, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है भाई, अर्धक के रूप में वन स्क्वायर अर्धक के रूप में कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 cos थीटा बाय 2, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि cos थीटा का अर्धक के रूप में फार्मूला क्या होता है, अर्धक के रूप में फार्मूला होता है कौन सा, 1 का 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, ठीक है भाई। cos थीटा के लिए बोल दिया अर्धक के रूप में 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 बटा 2 का अंडर रूट, ठीक है। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, क्या बच गया आपके पास cos inverse of 2 cos square theta by 2 upon 2 का अंडर रूट, 2 से कौन कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा cos का थीटा, cos का थीटा का अंडर रूट कितना होता है, ये हो गया आपका cos theta by 2, ठीक है। cos का थीटा by 2 का अंडर रूट कितना होता है, इसका अंडर रूट होता है cos theta by 2, तो ये हो जाएगा cos inverse of cos theta by 2, ठीक है। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, कैसे शेष बचेगा आपके पास, शेष बचेगा थीटा बाई 2, ठीक है भाई, आपके पास कैसे शेष बचेगा थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x पे हो जाएगा 1 बाय 2 tan इनवर्स x, तो हमें यही सिद्ध करना है। RHS की वैल्यू किसके बराबर शो करनी है आपको, RHS की वैल्यू शो करनी है आपको LHS के बराबर, ठीक है, ये RHS किसके बराबर है, LHS के बराबर। तो आज का लेक्चर नंबर 11 ये आपका ये कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।